आलू भरे पराठे। डेढ़ बज गया, डेढ़ का टाइम है ये दोपहर का। इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। वीडियो नहीं बनाया। ये रखे हैं आलू, दो पराठे सेक दिए, ले गए बच्चे एक एक खा रहे। और इधर मैंने सोचा थोड़ा बना लूँ, शूट कर लूँ। और यहाँ पे मैं मिर्ची मंगाई थी ऊपर से, ये रखी, इसका डालूँगी अभी अचार। नीचे रखी, ऊपर से मंगा ली, मैंने सुखाई थी मैंने। और आगे बना लूँ, खा लूँ, उसके बाद मिलूँगी आप लोगों से, अचार डालूँगी जब। बने रहना। पराठे बन गए, बच्चों को दे दिए थे, अपने लिए मैंने दो सेके, दो ही सेके। और ये है लस्सी, इससे खाऊंगी, आप लोग भी आ जाइए। चलिए अंदर खाऊंगी, मिलूंगी आप लोगों से। और ये आटा बच गया, ये रख दूंगी फ्रिज में, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा। उसके बाद अचार डालूंगी, थोड़ा खाना खाने के बाद आराम करूंगी, उसके बाद अचार डालूंगी, फिर वीडियो का एंड करूंगी। काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए ज़्यादा ऐड नहीं किया है मैंने। चलिए आगे किचन में। और मैंने यहाँ पे जो जीरा था पीस के रख लिया है, ये जीरा। और ये सौंफ है, ये पीस ली है, इसी में मिला दूंगी सौंफ भी। अब ये है राई, ये साफ कर लिया इसको, राई को ये पीसूंगी, थोड़ी तर तरी पीसूंगी, महीन ज़्यादा नहीं करनी है, तो इसी में पीस लूँगी। और ये राई भी पीस गई, दर दरी पीसी, इसी में मिला दूँगी इसको भी, तो काफ़ी अच्छी पीसी है ये। अब मिलाऊंगी इसमें मसाले, इतनी हो, इतना हो गया मसाला, क्योंकि मिर्ची है 2.25 किलो। उसके पास 2 किलो नहीं थी, जितनी थी सारी ले ली थी मैंने, 2.25 किलो है ये। यही है इसमें जो मसाले हैं वो मिला लूँगी। आप लोग बने रहना, सोच रही हूँ ज़्यादा बड़ा ना करूँ वीडियो, थोड़ा थोड़ा दिखा दूँ आप लोगों को साथ शेयर। इसमें डाल दी हल्दी और डाल दिया नमक, क्योंकि 2.25 किलो मिर्चा है तो नमक थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगा। और ये तेज वाला है तो हिसाब से ही डाला है, क्योंकि नमक तो डालो तो सही रहता, ख़राब नहीं होता। और ये है सिरका, विनेगर वाइट वाला है, यही डाल दूँगी। और इसमें डालूँगी तेल और मिक्स कर दूँगी सारा मसाला। आगे कमरे में, और ये मैंने चीरा लगा के रख लिया है मिर्ची में, काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी थी ये चीरा लगाया, बहुत टाइम लगा। इतनी निकली है ख़राब, ज़्यादा नहीं निकली, थोड़ी ही निकली, क्योंकि कल ही लेके आई, आज रख रही हूँ अचार। और ये मसाला है, इनमें मिक्स करके और जल्दी से डाल दूँगी, आप लोग बने रहिए। मिक्स हो गया है अचार, अब मैं भरूँगी इसको। और जो मसाला था सारा मैंने मिक्स कर लिया। और ये मिर्ची मैंने चीरा लगा के पहले से ही रख ली थी, और काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि ये पतली है मिर्ची, मोटी नहीं है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। और मसाला भी काफ़ी हो गया, मोबाइल में इतना नहीं दिख रहा, भर लूँगी। और डिब्बा में मैंने तेल पहले से ही डाल के रखा था, क्योंकि तेल डालो उसके बाद ही अचार डालते हैं। तो ये मिर्चा में तेल वो डिब्बा में तेल डाला, उसके बाद चारों तरफ से मैंने कवर कर दिया तेल को डिब्बे में, अच्छे से, ख़राब नहीं होता है, ये सालों साल चल जाता है और काफ़ी अच्छा बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। थोड़ा थोड़ा मैंने दिखाया था आप लोगों को, और डिब्बा पूरा भर गया, क्योंकि ये 2-3 दिन के बाद देखेंगे तो ये आधा हो जाएगा, पटक जाएगा पूरा। तो सारा ये मिर्ची जितना है मसाला भर गया था, और थोड़ा बच भी गया, थोड़ा क्या, थोड़ा ज़्यादा ही बचा था, तो मैं मिर्ची सोच रही और लेके आऊँगी, तो उस दिन किसी दिन डाल लूँगी, क्योंकि नहीं तो ख़राब हो जाएगा ये। थोड़ा बहुत मैंने ऊपर से डाला, पर ऊपर से नहीं, मेरे बच्चे मना करने लगे मत डालो, तो फिर मैंने छोड़ दिया। ये रख दूँगी इसी में, और ये थाली झाँक के ऐसे रख दूँगी, 2-3 दिन के बाद अगर जाऊँगी या गली में आ जाएगी तो ले लूँगी, 250 ग्राम 300 ग्राम तो डाल के रख दूँगी ये मिर्ची, क्योंकि ख़राब हो जाएगा, फिर रखा रहेगा इधर उधर, फिर इस वजह से क्यों बर्बाद करना, चीज़ यूज में ही आ जाए, तो ये डाल दूँगी। और डिब्बा पूरा भर गया था, आप लोगों को दिखा रही थी अचार, तो डाल दिया। ढक्कन अच्छे से बंद करूँगी इसका ढक्कन, क्योंकि हवा बिल्कुल ना जाए, इतना टाइट
अच्छे से बंद कर दूंगी। कोई कोई धूप में रखता है, मैं धूप में कभी अचार नहीं रखती और ना मेरा ख़राब होता कभी, और ढक्कन अच्छे से नहीं बंद हुआ था, तो इसे खोल के अच्छे से करूंगी बंद। यही है आज का, और आप लोग ज़रूर पूरा देखना और बताना कैसा लगा। थोड़ा थोड़ा मैंने बनाया है वीडियो आप लोगों को, उम्मीद करूंगी कि पसंद आएगा। अचार डाल लिया और काम पड़ा था, घर में काम तो काफ़ी हैं। अचार डाल लिया मैंने, अंदर नहीं रखा अभी, ये डिब्बा पूरा भर गया है, इसमें दो दिन के बाद तेल पड़ेगा। अचार अचार डाला, उसके बाद यहाँ पीछे जो कपड़े पड़े थे उतार लूँगी क्योंकि सूख गए हैं, और जूड़ा मेरा ऐसा ही बंधा है, टाइम ही नहीं मिला। मोबाइल जब वीडियो एडिट कर रही जब देख रही है, जूड़ा सुबह से तो घर से बंधा हुआ है, मैं ऐसे ही आ जाती हूँ वीडियो में। मुझे हंसी भी आ रही थी कि क्या मैं भेस बना के आ जाती हूँ। चाय ए आप लोग भी आ जाइए, कपड़े लेके आ गई मैं, और रखे हैं कपड़े इतने सारे यहाँ, तो मैं क्या करूँगी अभी चाय पीने के बाद कपड़े तय करूँगी, इसमें ऐड नहीं करूँगी, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोग बने रहना, चाय पीने के बाद मिलूँगी, जाना नहीं, पूरा जरूर देखना। अब वीडियो का यहीं पे एंड कर दूँगी, और एक मैं चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, मेरी बेटी ने कितना अच्छा काम किया। आप लोग गिर ना जाए तो प्लेट से उठना, एक पकड़ना, कितना अच्छा पालना बनाया इसने। ये प्लेट रखी है क्योंकि ये ठाकुर जी जो हैं बहुत बड़े हैं, तो ये पालना जो है ये वाला इसमें नहीं आते, छोटे से मेरे ठाकुर जी हैं वो बैठे हैं इस पालने में। अभी ये वाला इसने ऐसे ही बनाया यहाँ पे ये, और उसके बाद ये पता नहीं कैसे लगाया और यहाँ से बांध दिया ये, रात को उसे खोल दें तो हाँ, ये पालना कितना अच्छा लग रहा। लाल चुन्नी नहीं थी, लाल अगर बनती तो अच्छी लगती ज़्यादा। लगा रही आज झाड़ू, ये कितना कूड़ा निकला क्योंकि इसने बनाया पालना ठाकुर जी का, तो ये पूरा सुबह से लगी है, सुबह से अच्छा बना है, कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा पर अच्छा बना है, और क्योंकि दूसरा पालना है वो नहीं आ रही है उसमें ठाकुर जी, और ये पूरा बिखरा पड़ा, पूरा बेड पे ये सामान बिखरा, ये उठाएगी अभी, और मैं अब वीडियो का एंड कर दूँगी, काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है, इसलिए उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो कमेंट करके बताना कैसा लगा, जो भी चैनल पे आती है न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फिर मिलूंगी एक अच्छे से नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बोलो बाय, बोलो।